Hello here, I am Sajan Ma'am, you are watching Pactel Mobile Store YouTube channel. Today I am going to unboxing Vivo Y20s. आज जो हम अनबॉक्सिंग करने के लिए जा रहे हैं वो Vivo कंपनी का मॉडल Y20s है। इसको हम अनबॉक्सिंग दिखाएंगे आपको, इसके फ्यूचर से, इसके सारी और क्या क्या बुक्स में दिखाएंगे। इससे पहले हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको मोबाइल की एक्सेसरी की अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो आती रहे। आइए इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं हमें अनबॉक्सिंग करने में क्या मिलता है। जी वेयर हम फाइनली इसका अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि बुक्स में क्या है। तो मेन हाइलाइट्स फीचर्स हैं उसका थोड़ा सा हम जिक्र करते जाएं। इसमें उन्होंने कहा 18 वाट का जो फास्ट चार्जिंग वो दिया गया है इस 20s में, जो कि बहुत ही फास्ट चार्ज होता है, और 5000 mAh की बैटरी गई है। और इसमें आल ट्रिपल कैमरा, मेन कैमरा जो है उन्होंने ट्रिपल मेन कैमरे दिए गए हैं, रियल ट्रिपल कैमरे दिए गए हैं। और बाकी इसके यही हाईलाइट फ्यूचर के जो हमने आप जो बता दिए हैं, आप इसको अनबॉक्स करते हैं। हेलो सनाब, सबसे पहले हमें जो ऊपर देखने को मिला है ये एक कॉपी पड़ी हुई है, उसमें लिखा है Y20s। और जैसे ही हम इसको उठाते हैं तो हमें इसके अंदर क्या मिलता है देखते हैं। हमें इसके अंदर एक केस मिलता है बैक, और इसके अलावा ये मिलती है कि सिम जैकेट निकालने के लिए, और एक केस मिलता है, और एक क्यूबली मैन्यू कॉपी है हमारे पास, जो और कुछ खास नहीं है। इस पे साइड पे रखते हैं और आप चाहते हैं मेन हमारी जो डिवाइस है उसकी तरफ, और इसको निकालते हैं। ये देखें, ये वाओ बड़ी ग्रेस ब्लैक कलर की है, मेरा तो दिल आशिक हो गया इस पे, बहुत ही प्यारी है। इसको हमें इसको साइड पे रखते हैं और देखते हैं हम आगे इसमें हमें देखने को क्या मिलता है। हमें हैंड फ्री नहीं मिली इस मोबाइल में, और हमें अडाप्टर मिला जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं। यह 18 वाट फास्ट अडाप्टर है, और इसके साथ हमें एक डाटा केबल मिली है जो आपके चार्जिंग और डाटा को पीसी, डेस्कटॉप पीसी या लैपटॉप में यूज़ की जा सकती है। और इसके अलावा बुक्स में कुछ भी नहीं है, खाली है। जी हाँ, इसको साइड में रखते हैं, इसको भी साइड में रखते हैं, और अब हम फाइनली हम इसको देखते हैं मोबाइल को, और हमें क्या सा कैसी लुक मिलती है देखने को। तो फाइनली हमें जो लुक मिली है वो वाओ ग्रेट लुक मिली है। जी व्यूअर्स, ये देखें बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग है, ये देखें हम डिजाइनिंग देख रहे हैं, ब्लैक कलर में है, लेकिन इसमें कुछ लाइनें हैं, आई होप आपको नजर आ रही होगी कैमरे में, और अगर मेरा कैमरा सही तरह फोकस कर पा रहा होगा। ये देखें बहुत ही स्टील की इन्होंने एक कैमरे के ऊपर की हुई है, जो बहुत ही अच्छी लुक मजीद ग्रेस बना देती है मोबाइल की। ये देखें, और उसके साथ ट्रिपल कैमरा जैसा कि इन्होंने हाईलाइट किया हुआ था वो दिए हुए हैं, और इसके नीचे ये लाइट दी गई है, और यहाँ पे उन्होंने अपना वीवो लोगो लिखा हुआ है, और बाकी इसकी जो साइड है वहां पे जैक दी गई है एक, और जैक देने के बाद और कुछ भी नहीं दिया गया। तो इसमें एक 3 स्पीकर, ये स्पीकर दिया हुआ है, और इसके साथ जो हमारी चार्जिंग मैक्रो केबल दी गई है, टाइप सी नहीं है इसकी, और इसके साथ 3.5 mm जैक दिया गया है जो हैंड फ्री के लिए आप नॉर्मल इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके दूसरे साइड पे कोई खास चीज नहीं दी गई, वो देख रहे हैं हम के सिर्फ एक वॉल्यूम और एक पावर का बटन दिया गया है, वॉल्यूम अप डाउन, और पावर पर ही इसका एक फिंगरप्रिंट दिया गया है। अब इसको फाइनली ऑन करते हैं और देखते हैं, सेटिंग करते हैं इसकी। अब इसको हम फाइनली ऑन करते हैं, ये देखें हमारी डिवाइस ऑन होने लग गई है, और इस पे वीवो लिखा हुआ आ रहा है, एंड्रॉइड पावर्ड बाय एंड्रॉइड लिखा आ रहा है, और इस पे एंड्रॉइड का लोगो आ रहा है। मज़ीद हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा तेज़ कर देता हूँ ताकि ये फास्टली आपका टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो बड़ी ना बने।
जी वैर हमने मुकम्मल इसका सेटअप कर लिया, फेस एडी भी हमने इसकी कर लिया और फिंगरप्रिंट भी कर लिया, लेकिन जब मैंने ग्लास लगाए हुए थे आप देख रहे थे उस वक्त ये मेरे फेस को स्कैन नहीं कर रहा था, जब मैंने अपने ग्लास उतार दिए हैं तो इसने फौरन फेस अनलॉक के लिए अबर लगा दी। ये अब हम बाद में टेस्ट करेंगे कि ग्लास लगाने के बाद ये फेस अनलॉक वर्क करता है या नहीं करता। इस वक्त जो हम फाइनली इसके डिस्प्ले पे आ चुके हैं, अब हम इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं कि मुझे इसका डिस्प्ले कैसा लगा। जी व्यूअर्स, इसका जो डिस्प्ले है बहुत ही प्यारा डिस्प्ले है, लेकिन सुपर अमोलेड एचडी डिस्प्ले तो नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले है इसका। मैं देख रहा हूँ, मुझे चलाने में मज़ा आ रहा है और ये 270 ppi पर ये डिस्प्ले बनाया गया है। इसका जो पैनल है ये 270 ppi पर है और ये 720x1080 पिक्सल तक ये जो हमारा है डिस्प्ले है इसका पैनल। बाकी सूप है, ठीक है, बेटर है, कैमरे का रिजल्ट बहुत अच्छा है। इस प्राइस बजट में देखा जाए तो वीवो ने बहुत अच्छा डिस्प्ले दिया गया है, जो इसकी बजट है इसके जो प्राइस है उसी हिसाब से हमने इसको देखना है। और 16M मल्टीपल कलर्स पर बनाया गया है जो कि बहुत ही मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा है। और सबसे मजे की बात है ये 4GB और SD 128 पर आता है, जो वाइट 20 है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 4/64 पे आता है। और जो वीवो कंपनी है इन्होंने ये दो मॉडल ऐसे निकाले हुए हैं कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस में निकाले हुए हैं। अगर आप इस पे पबजी गेम का देखना चाह रहे हैं कैसा रिजल्ट, ऊपर आई बटन दिया हुआ है उसको फॉलो करें और वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस पबजी गेम में इसके जो पिक्सल है और इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है आई बटन को क्लिक करके। अब हम इसके कैमरे की बात करते हैं, जो इसका रियल मेन कैमरा वो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, उसके साथ 22 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस लगाए गए हैं और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसके कैमरे की जो परफॉर्मेंस है बहुत मुझे ये देखें अच्छी लगी है, इसके बेहतरीन लगी है। अगर आप देखना चाहते हैं कैमरे का फुल रिव्यू, अगर आप कैमरे का फुल ऑप्शन फुल व्यू देखना चाह रहे हो, ऊपर आई बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करें, क्लिक करके आप कैमरे का मुकम्मल व्यू, इसके मुकम्मल ऑप्शन, इसके मुकम्मल फीचर्स देख सकते हैं। इसमें हम पहले ही बात करते हैं इसकी चिपसेट के बारे में, जो वीवो ने अपनी इस डिवाइस में लगाई है चिपसेट वो काफी बेहतरीन है और काफी परफॉर्मेंस अदा करती है। प्राइस के लिहाज से जो उन्होंने प्राइस कैटेगरी की है उस कैटेगरी में उन्होंने चिपसेट बहुत ही अच्छी चिपसेट लगा दी है, जो कि इसमें चिपसेट इस वक्त लगी हुई है वो है एड्रिनो की 610 लगी हुई है, जो इसमें इस वक्त वर्क कर रही है। जो इसमें पबजी गेम का टेस्ट, जैसा कि मैंने बताया शुरू में, आई बटन पे जाके क्लिक करके आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसकी क्या परफॉर्मेंस रहती है इस चिपसेट की आपकी पबजी गेम रिव्यू में। अब फाइनली ये है कि अब आपको हम बता देते हैं कि आप मेरी राय क्या है, इस डिवाइस को खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो फाइनली जो मैं रेकमेंड करूंगा, जो आपका बजट है उस लिहाज से मी कंपनी देखें, सैमसंग देखें, शाओमी देखें, रेडमी देखें, ओप्पो देखें, हमेशा से वीवो उनसे एक कदम आगे रहा है, क्योंकि वीवो ज़रा से ज़रा वो फोकस करता है अपने कैमरे पर और अपनी जो इसका पैनल है एचडी पर, जो कि आजकल वही जरूरत होती है। और जो गेमिंग लवर है उनके लिए थोड़ा सा हटके भी वो मॉडल निकालती है, लेकिन ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे आपको गेमिंग में भी परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी और आपको एसडी भी 128 मिलेगी और आपको 4GB रैम भी मिलेगा वो, और ये इजिली अवेलेबल है मार्केट में 28 से 27 हज़ार रुपए में, जहाँ पे जाके आप इजिली खरीद सकते हैं। आई होप हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारी ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको मोबाइल फोन मोबाइल एक्सेसरीज की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू की वीडियो हर वक्त पर आती रहे। अपने इस होस्ट साजन महमूद के लिए इजाजत, एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द मिलेंगे। गुड बाय।